जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया और फ्रेश वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों, थंबनेल को रीड करके और टाइटल को देख के अब समझ गया होगा आज का वीडियो में क्या होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ढेर सारे मेरा व्यूअर्स कॉमेंट करते हैं, सर आप जो सिंकिस का पीस डाइंग पे जब जाता है टेस्टिंग के लिए और डाइंग से जो आता है उसका मेजरमेंट कैसा आप कैलकुलेशन करते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का साथ शेयर करूंगा, जब मेरा पास डाइंग का कपड़ा आता है तो उसमें से एक पीस मैं रेडी करता हूँ, उसको कैसा मेजरमेंट करता हूँ, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो जींस पैंट का मैन्युफैक्चर करता है या जींस पैंट मैन्युफैक्चर करवाता है या करते हैं या आप रिटेल करते हैं या आप होलसेल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है उन लोग भी ये वीडियो देखेगा तो बहुत सारे नॉलेज मिलेगा और इंजॉय भी कर सकते हैं इस वीडियो को माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू देवम फैशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन ईटीसी नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करें, इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नो क्लिकबेट, नो ड्रामा, ओनली दिस काइंड नॉलेज। बाबू भाई, मेरे को सब्सक्राइब करना है बाबू भाई। वो यूट्यूब चैनल एफएम फैशन जींस के बारे में जो बोलता है। अच्छा, मैं कर दिया। सो गाइस, अपना पास जब जींस का फैब्रिक आता है तो हम लोग एक पीस रेडी करते हैं, जैसा कि ये मैं एक पीस रेडी किया और इसको डाइंग पे भेजा था। जब डाइंग पे भेजा था तो इसका अंदर सब कुछ जो डिटेल्स है, कितना क्या मेजरमेंट है, कपड़े का नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में मैं लिख के भेजा था। तो आप देख सकते हैं, ये है कमर 36, लेंथ 43 हाफ, मांडी 12.25, लेंथ 43 पॉइंट यानी कि 43.5, और बॉटम है 107.25 यानी कि 107। तो जैसे कि ये फैब्रिक डाइंग होके आया और डाइंग होके आया और उसका बाद का जो मेजरमेंट है वो कितना है वो मैं अभी आपका सामने नाप के बताऊंगा। तो बहुत सारे कमेंट्स है भाई, सिंकेज जब होता है तो कितना कम होता है, क्या ज़्यादा होता है, वो कैसा मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो एक पीस हम पहला बनाता है उसको मेजरमेंट हम अपने डायरी पे भी लिख के रखता है और पीस का ऊपर भी लिख के रखता है। तो ये डाइंग हो गया है, अभी आपको नाप के दिखा दो। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका कमर है 15, 15.5 मतलब 31 कमर आया इसका। और इसको घुमा के मापेगा, इसको पूरा ऐसा राउंड करके घुमा के मापेगा तो 32 खन आएगा, क्योंकि इसमें जो वेस्ट है ना, ये जो कमर का है, ये जो लो राइज कटिंग है यानी कि ये जो फ्रंट फॉक राइज इसका थोड़ा नीचे है और पीछे का बाजू ऊपर है, तो ये जो डिफरेंस है इसके लिए 1.5 इंच कमर प्लस होना चाहिए। और ये जो पीस है, ये पीस का हिसाब से हमारा जो मेजरमेंट इधर से 7 इंच पे होएगा, इधर 7 इंच पे यानी कि यहाँ पे होएगा, और क्रॉस पॉइंट से 2.5 इंच ऊपर। तो क्रॉस पॉइंट से ये समझो, ये जो क्रॉस पॉइंट है एकदम नीचे इधर पकड़ेगा हम, इधर 2.5 इंच तो इधर होता है, ये जो बाल्टक है इधर क्रॉस पॉइंट होता है, और इधर का मेजरमेंट हम प्लेन बिठा के फिर हम नापेगा तो इसका मेजरमेंट कितना होता है। इसका मेजरमेंट 38 आया, तो इसका 38 का मतलब 8 इंच कमर से 8 इंच ज़्यादा है, 38 है तो 8 इंच इसका लूजिंग आया, यानी कि इसका लूजिंग 43.5 था वॉश से पहला, डाइंग से पहला 43.5 था और अभी 19 है, तो कितना गया आप कैलकुलेशन करके खुद ही पता लगा सकते हैं। इसका कमर था 36 और 36 में से आपको इसका कमर जो गया है अभी 31 है यानी कि 31 है, तो आप समझ सकता है कितना इसका कमर गया है। तो वो हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप जो माल काटेगा यानी कि जो नया फैब्रिक काटेगा वो काट सकते हैं। इसका मंडी कितना था मैं आपको दिखाया, 12.5 या 12.25 था, अच्छे से इसको बैठा के नाप लीजिए, इसका 11 है यानी करीब करीब 1.5 इंच खन इसका मंडी गया है। और इसका जो बॉटम है, बॉटम था 7.25 और अभी इसका है 6.5, आप देख सकते हैं आपका सामने 6.5 बॉटम है। और इसका मेजरमेंट था
सो गाइस इसका लेंथ था 43.5 और आप देख सकते हैं अभी इसका लेंथ है 41+, आप इसका लेंथ देख सकते हैं, इसका लेंथ है अभी 41.5 यानी कि 41.5 इसका लेंथ है। तो दोस्तों ऐसा ही हम कच्चा पीस बना के एक पीस बना के हम डाइंग कराते हैं और डाइंग का बाद कितना कम होता है पीस का अंदर भी लिखा हुआ रहता है और पीस का और अपना डायरी पे भी लिखा रहता है, अपना एक छोटा सा डायरी बना हुआ है हर फैब्रिक का कैलकुलेशन लिख के रखता है। तो जैसा डाइंग हो के आता है उसका बाद हम उसका मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से जब डाइंग पे जाता है एकदम प्रॉपर तरीके से उसका मेजरमेंट करता हूँ और जब डाइंग से आता है एकदम प्रॉपर तरीके से उसका डाइंग होने का बाद मेजरमेंट करता हूँ और उसका बाद कैलकुलेशन करके फिर जब हम पूरा रोल को काटता हूँ ऐसा ही हम सिंकेस निकाल के मेजरमेंट कराता हूँ। तो आई होप आप समझ गया होएगा, बहुत सारे कमेंट्स था भाई सिंकेस का मेजरमेंट कैसा करते हैं आप लोग। तो हमारा पास जो फिक्स फार्मा है एक फार्मा बना हुआ है डबल जंप, जैसा कि 32 का फार्मा है तो वो उसमें 32 ये 32 का साइज है, ये जो पीस है ये 32 साइज का पीस हम काटा है। तो कच्चे में इसका मेजरमेंट 36 कमर था, यानी कि ऑलरेडी हमारा जो फार्मा है फार्मा में डबल जंप बना हुआ है। तो समझो कोई कपड़े में सिंक नहीं है यानी कि डाइंग का बाद वो नहीं जाएगा, तो हमारा 32 साइज का जो फार्मा है उसमें कटिंग करेगा ना तो आपका 36 साइज का पीस मिलेगा, ऐसा ही हमारा फार्मा बना हुआ है यानी कि डबल जंप का डबल जंपिंग का फार्मा बना हुआ है। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर दीजिए ताकि मैं जैसा ही वीडियो अपलोड करा सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपका डिवाइस पे। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आदमी को जो साफ सुथरा रखे। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जींस पैंट के बारे में नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू सो मच।